दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971। 1971 की इस लड़ाई के बारे में सभी को पता है और इस बारे में हमने पहले भी वीडियोस पर चर्चा की है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस मूवी की खास बात क्या है और ये मूवी देखा जाए तो कितनी बड़ी हिट या सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर जा सकती है। जिस तरह से इस मूवी के बारे में सोचा गया, स्टोरी 1971 की और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं क्यों इतने खास हैं और क्यों ये मूवी खास होगी, इस बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि इस मूवी के स्टार कास्ट में जहां एक तरफ अजय देवगन, संजय दत्त, राणा दग्गुपति जो कि साउथ के स्टार हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ एमी वर्क की जो पंजाबी स्टार हैं, अगर हम को स्टार्स की बात करें सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही, ये इस मूवी की मेन स्टार कास्ट है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक दुधैया। अभिषेक दुधैया के बारे में हमने पहले भी कुछ बातें की थी लेकिन आज आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्टर कैसे हैं और इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कुछ सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं और पहली मूवी है जो कि ये डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और इस मूवी के जो राइटर हैं वो बड़े कमाल के हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ अभिषेक दुधैया के बारे में। अगर हम बात करें अभिषेक दुधैया की पिछली कामों की तो इन्होंने 20 से भी ज़्यादा टीवी सीरियल्स बनाए हैं, जैसे कि डायरेक्शन किया है, किसी में स्क्रीन प्ले किया है और कुछ सीरियल्स के राइट्स भी किए हैं। और ये 2003 से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर आए हुए हैं और तब से लेकर अभी तक इन्होंने एक भी मूवी नहीं बनाई थी और पहली मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में डायरेक्शन करने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने कुछ सीरियल्स, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, एहसास, अग्निपथ, लाइफ का रिचार्ज, सिंदूर तेरे नाम का, उम्मीद की नई सुबह, कुछ इन सीरियल्स को बनाया है और कुछ इन सीरियल्स पर डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले किया है। एक खास बात और ये है कि इस मूवी की जो राइटिंग कर रहे हैं, यानी इस मूवी की जो स्टोरी को लिख रहे हैं, वाकई में वो राइटर कमाल के हैं। उनका नाम है रितेश शाह। रितेश शाह की लिखी हुई कई सारी मूवीज़ आप देख चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिंक मूवी को देखा होगा और उस मूवी की जो लिखी हुई स्टोरी के ऊपर आप नज़र डालें एक्टर्स को हटाकर तो स्टोरी कैसी लगी थी। बाटला हाउस, बाटला हाउस मूवी भी इन्होंने ही लिखी है। आप लोगों ने अजय देवगन की रेड मूवी देखी होगी, उस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। और देखा जाए नमस्ते लंदन जो कि एक सुपरहिट मूवी थी, इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। तो ऐसी ही कई सारी मूवीज़ पर ये अपनी राइटिंग से लोगों को अपनी ओर खींच चुके हैं। तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की सबसे खास बात यह है कि इस मूवी पर जो स्टार कास्ट इतनी तगड़ी है, जो इस मूवी के राइटर हैं वो इतने तगड़े हैं, तो डिपेंड ये करता है कि डायरेक्शन अभिषेक दुधैया का। अगर अभिषेक दुधैया का डायरेक्शन बैठता है तो ये मूवी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है और लोगों के बीच पर, दिलों पर अपनी जगह बना सकती है। वैसे भी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को पहले से ही खरीद लिया जाएगा तो इस मूवी के कलेक्शंस हमारे सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस मूवी की वाहवाही हमें सुनने और देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आने वाले टाइम पर अगर जैसे ही हमें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया कुछ अपडेट होता है तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर हाजिर होंगे। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।